उठा के रखो, उठा के साउथ हूँ। और ये जो डेंजरस बिल्डिंग का इशू है, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पर बड़ा सीरियसली काम कर रही है। हमने पिछले महीने दो में भी जो है 10-12 बिल्डिंग्स जो है वो डिमोलिश की हैं और काफ़ी इवेक्यूएट कराई हैं। तो एक कांस्टेंट एक्टिविटी जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। हमारे कमिश्नर कराची के डायरेक्शंस पे एक फुल सर्वे भी चल रहा है कि हम जो डेंजरस बिल्डिंग्स में उनमें से जो वल्नरेबल हैं हम उनको प्रायोरिटी पे जो है वो डिमोलिश करें। और एक्टिविटी में आपके साथ रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकता हूँ कि हमने पिछले महीने में बिल्डिंग्स जो है वो जो डेंजरस बिल्डिंग्स थी उनको डिमोलिश किया है और इवेक्यूएट भी किया है। और ये बिल्डिंग भी जो आप देख रहे हैं एक जबून स्ट्रक्चर था जिसमें जो एक अबेंडेंड स्ट्रक्चर था जिसमें कोई फैमिली नहीं रहायश पजीर थी। इसमें सिर्फ कोई मजदूर जो है वो ओनर ने रेंट पे दे दिया था, जिससे वाजह लग रहा है कि उनको आइडिया था कि ये डेंजरस है, उसके बावजूद जो है इन्होंने लोगों को यहाँ पे रेंट पे रखा हुआ था। तो इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। साथ जो बिल्डिंग बन रही थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर उसके पास भी अगर कोई उसके अप्रूवल जो है डिज़ाइन का नहीं होगा SBCA से तो उसके खिलाफ भी हम FIR करेंगे। और जो ओनर है बिल्डिंग का जिसने इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है लोगों को रेंट आउट किया हुआ था उसके खिलाफ भी जो है वो FIR है। ये 7 फुट की गहराई में इन्होंने खड्डे मार मार के 8-8 मंजिला मीडिया सर मीडिया सर सदर जोन लियारी जोन के बात करें सर 5वीं इमारत है रवां बरस, ये लियारी में दूसरा वाकया है। 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। आपकी मीटिंग्स कमिश्नर ऑफिस में भी हुई, उसके सेक्रेटरी ऑफिस में भी हुई। 800 इमारतों की फहरिस्त भी बनाई गई लेकिन कार्रवाई नज़र नहीं आती। कोई इमारत जो है वो इस तरह की इमारतें जो मौजूद हैं लोग वहाँ रिहाइश पजीर हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जो रिहाइश पजीर इमारतें उनको खाली नहीं करा सकते। 10 मैं आपको उसमें मैं आपको उसमें रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ जो मुसलसल एकदम देखें एक ही टाइम पे सारी जो है लोगों को इवेक्यूएट करना, फैमिलीज का इशू आपको पता है सेटलमेंट का, और सारा तो लोग जो है वो खुद उनको हम कन्विंस भी कर रहे हैं। और मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर सकता हूं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने SBCA के साथ मिलके पिछले महीने में जो बिल्डिंग्स डिमोलिश की हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो मीडिया की हाईलाइट में शायद नहीं आई इसलिए आप दोस्तों को नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। और हम कॉन्स्टेंटली इस मानसून के बाद कमिश्नर साहब के हुक्म पे हम दोबारा एक सर्वे कर रहे हैं कि अगर मानसून की वजह से कुछ बिल्डिंग ज़्यादा जो है वल्नरेबल हो गई हैं उनको भी हम इमीडिएटली इंशाल्लाह जो है इवैक्यूएट कर रहे हैं। साथ साथ आप देखेंगे गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है, आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है हमारी अर्बन रेस्क्यू टीम जो है KMC की वो जो है टाइम पर पहुँची है, रेस्क्यू इदारे जो है रेंजर्स पुलिस जो है वो टाइम पर पहुँचे हैं। तो ये आप देखें प्रिपेयर्डनेस जो है उसमें काफ़ी बेहतरी जो है हम इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो बाकी डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उसमें भी गवर्नमेंट सीरियसली इसको देख रही है और हम इंशाल्लाह। आप सब नाज़मीन बात की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।